हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइव। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को ज़रूर दबाएं। तो आज का ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैवी लाइसेंस में एक न्यू अपडेट आया है और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि इसके बिना आपका लाइसेंस अब नहीं बनेगा। और ये जो है 2020 से लागू कर दिया गया है, तो वो क्या अपडेट है सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करते और दोस्तों के साथ जरूर कर दे, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, अब जो अपडेट क्या है वो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो है 8वीं थी, पहले 10वीं थी, फिर उसके बाद 8वीं की है सरकार ने, फिर जो है आधार कार्ड और जो भी अपडेट थे जो वो मैंने एक वीडियो में जो है बना रखी है, लिंक ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं कि वो अपडेट क्या है, कि इसमें आपको जो है बिजली का बिल लगाना पड़ेगा जब आपका हैवी लाइसेंस बनेगा। ऐसा उन्होंने एक पेज के थ्रू जो है लिस्ट बना रखी है। तो ये दो तीन शर्त उन्होंने, अब या तो आपके पास पासबुक होनी चाहिए या फिर एक बिजली का बिल होना चाहिए, तभी आपकी हैवी फाइल लगेगी। तो ये अपडेट जो है फ़िलहाल ही आया है, पहले अपडेट नहीं था, कोई ऐसा कानून नहीं था। तो ये मोदी की सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। न्यू अपडेट आपको देखने के लिए मिल ही रहे हैं, तो ये एक नया अपडेट है सरकार की तरफ से। वैसे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हैवी लाइसेंस आपका बन जाएगा, कोई भी लाइसेंस हो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बिजली का बिल आपको ज़रूर चाहिए हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए, और छोटे लाइसेंस फोर व्हीलर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बता सकूं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी से शूट किया और आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर कर दे, जिससे हम आपको सभी बातें बता सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।